आज की न्यूज और मैं हूँ जुहेर खान। सबसे पहले आज की हेडलाइन। वजीर आजम के कायम करदा कश्मीर सेल का वजीर खारजा की जेर सदारत तीसरा इजलास। मसलह कश्मीर आलमी फॉर्म्स पर उजागर करने के लिए कानूनी पहलुओं पर मुशावरत होगी। शाह महमूद कुरैशी की शुरका को हालिया दौरा जनेवा और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हाई कोर्ट्स को ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नुक्ताचीनी से रोक दिया गया। किसी फैसले पर एतराज हो तो इंतजामी कमेटी को कार्रवाई के लिए लिखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नुसरत यास्मीन की अपील मंजूर कर ली। फैसले की कॉपी तमाम कोर्ट्स को भिजवाने का हुक्म दे दिया। शहर इक्तदार में तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। पाकिस्तान कश्मीरियों के लिए हर हद तक जाएगा। वजीर आजम का अरब टीवी को इंटरव्यू। इमरान खान कहते हैं दुनिया मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। कोई अकलमंद शख्स एटमी जंग की बात नहीं कर सकता। दो जोहरी ताकतों का तनाजा जंग तक पहुंचा तो तबाही तसव्वुर से बाहर हो गई। मोटरवे पर मुसाफिर बसों में भारतीय फिल्में और मवाद दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अमल दरामद भी जल्द होगा। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय फिल्में नफरत अंगेज, मजहबी इंतशार और गैर इखलाकी मवाद पर मबनी होती है। इकदाम पाक भारत कशीदा सूरतेहाल और अवामी शिकायत पर उठाया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। लोथरा में चावल की फसल पर स्प्रे के दौरान चार नौजवान जाँ बहक। महकमा ज़राअत के मुताबिक मुकर्रर मकदार से ज्यादा स्प्रे गलत वक्त पर किया गया, जहां बाकी अफराद ने मास्क और दस्ताने भी नहीं पहने थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक कत्ल का शुबा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तफ्तीश जारी। दरीना दुश्मनी दो कीमती जिंदगियां निकल गई। सरगोधा के नवाही इलाके कोट मोमी में चचा और भतीजा कत्ल कर दिया। आठ मुलजिमान ने घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुनशियात बरामदगी केस में राणा सना के जुडिशियल रिमांड में 28 सितंबर तक तौसी। सेफ सिटी कैमरों की फुटेज फराहम की जाए। लीगी रहनुमा के वकील की इस्तदा। राणा सना की जमानत के लिए दायर दरखास्तों पर कार्रवाई 20 सितंबर तक मुलतवी। एएनएफ के वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर। नए सिस्टम के तहत डोमेस्टिक क्रिकेट के नए सीजन का आगाज हो गया। कायदे आजम ट्रॉफी के मैचेस तीन मुख्तलिफ ग्राउंड पर होंगे। फर्स्ट क्लास इवेंट में सिर्फ 6 सूबों की टीमें शरीक होंगी। नया टैलेंट और तजर्बाकार खिलाड़ी नेक्शन नजर आएंगे। मोदी सरकार पर जंगी जनून सवार। भारतीय फौज की एलओसी के हाजी पीर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के 33 साल हवालदार नासिर हुसैन शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक शहीद हवालदार नासिर हुसैन का ताल्लुक नारोवाल से था। पंजाब में डेंगू बेकाबू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। पिम्स और पॉलीक्लिनिक में डेंगू वार्ड फुल हो गए। मरीज निजी अस्पताल जाने पर मजबूर हो गए। जुड़वा शहरों में 2000 से ज्यादा कातिल मच्छर से मुतासिर हुए। दो अमवात भी हो चुकी। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। मज़ीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sanjhnews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।